हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अब अगर आप इस चैनल पे बहुत दिनों से आ रहे हो तो आई एम प्रिटी श्योर ये थंबनेल देख करके आपको थोड़ा एक्साइटिंग फील हुआ होगा कि क्या बात है, एक साथ 10 नए कोर्सेज हम रिलीज कर रहे हैं। तो ये सही न्यूज़ है। इट्स स्मार्ट कि 1 अप्रैल है तो हम आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वी आर एक्चुअली लॉन्चिंग 10 न्यू कोर्सेज ऑन आर वेबसाइट एंड ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। तो मैं क्या क्या कोर्सेज हैं ये बताने के पहले एक बार आपके साथ पूरी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि ये 10 कोर्सेज हम एक साथ क्यों रिलीज कर रहे हैं। सो अगर आपको याद होगा, कुछ 1-1.5 महीने पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था कि वी आर गोइंग टू हायर सम टीचर्स, राइट? तो उस वीडियो को देखने के बाद बहुत लोगों ने अप्लाई किया हमारे इस जॉब एप्लीकेशन के ऊपर और हमें प्रिसाइजली 60 एप्लीकेंट्स मिले। हमने ये कंडीशन डाला था कि आपको अगर हमारे जॉब एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई करना है तो आपको एक वीडियो बना के भेजना पड़ेगा जहाँ पर हमने कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स रखे थे। तो देर वर अराउंड 60 पीपल जिन लोगों ने वो डिफिकल्ट टाइप का वीडियो बना के भेजा। सो मैंने बहुत केयरफुली उन सारे वीडियोज को देखा और उनमें से जो 30 बेस्ट वीडियोज थे मैंने उन लोगों को सेलेक्ट किया फॉर द नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड में मैंने इन 30 लोगों का इंटरव्यू लिया और मैंने समझने की कोशिश की कि उनके पास कितना टीचिंग एक्सपीरियंस है, उनके पास कितना डेटा साइंस का नॉलेज है और पूरे तरीके से ये गॉज करने की कोशिश की कि क्या वो सही कैंडिडेट होंगे या नहीं इस पर्टिकुलर रोल के लिए। फिर इन 30 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद मैंने 20 लोगों को अगले राउंड के लिए बुलाया जहां पर मैंने उन लोगों को एक टास्क दिया कि आप लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के एक डेमो सेशन लेना पड़ेगा और हमारे जो डेटा साइंस मेंटोरशिप प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं वो उस डेमो सेशन को अटेंड करेंगे और फीडबैक देंगे। तो पिछले 1 महीने में हमने 20 लाइव सेशंस कंडक्ट कराए हमारे DSMP 2 बैच के लिए जहाँ पे हर टीचर को एक डेमो सेशन लेने का मौका मिला और बदले में हमें फीडबैक मिला अबाउट दैट टीचर। और उस पूरे 20 सेशंस के बाद अब मेरे पास सारे के सारे 20 फैकल्टीज का फीडबैक है। और अब मैंने क्या किया, मैंने उनमें से जो टॉप 10 टीचर्स हैं उनको सेलेक्ट किया है फॉर द फाइनल राउंड। और शायद अब आप गेस कर पा रहे हो फाइनल राउंड क्या है। फाइनल राउंड है कि मैंने इन सारे 10 टीचर्स को ये टास्क दिया है कि वो हमारे प्लेटफॉर्म यानी हमारी वेबसाइट पर एक छोटा कोर्स बनाएंगे। सो 10 टीचर्स, 10 स्मॉल कोर्सेज और वही 10 कोर्सेज हम लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के लिए। द बेस्ट पार्ट इज कि ये सारे कोर्सेज एकदम फ्री होंगे और आपको एक भी रुपए पे नहीं करना है इनमें से किसी भी कोर्स को अटेंड करने के लिए। आपके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम फ्री क्यों रख रहे हैं इस पूरी चीज को। बहुत सिंपल सी बात है, ये हमारे हायरिंग प्रोसेस का पार्ट है। हम चाहते हैं टीचर्स को हायर करने के पहले स्टूडेंट्स का फीडबैक हमें मिले। आप हमें सेलेक्ट करके बताओ कि बेस्ट टीचर कौन है, वही हमारे प्लेटफॉर्म पे आगे पढ़ाएगा। तो हम आपको फ्री में अटेंड करने देंगे ये सारे कोर्सेस, बस हमें बदले में आपसे एक चीज चाहिए और वो है आपका फीडबैक, आपका ऑनेस्ट फीडबैक। तो अब अगर आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई तो अब चलते हैं ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन से 10 कोर्सेस लॉन्च कर रहे हैं हमारी वेबसाइट पर। सो मेरे दिमाग में थोड़ा सा डाउट था, थोड़ा कंफ्यूजन था कि अगर मुझे 10 नए कोर्सेज स्टार्ट करने हैं इन 10 फैकल्टीज के साथ तो मुझे कौन से कोर्सेज स्टार्ट करने चाहिए, बिकॉज दीज कोर्सेज शुड बी स्मॉल, बहुत बड़े कोर्सेज नहीं होने चाहिए। तो काफी सोचने के बाद मुझे ये आइडिया आया कि जो भी कोर्सेज मुझे स्टार्ट करने चाहिए वो प्रोजेक्ट बेस्ड होने चाहिए, मतलब उस कोर्स में कोई प्रोजेक्ट कवर होना चाहिए और उस प्रोजेक्ट के साथ साथ हमें कोई टॉपिक भी पढ़ाना चाहिए। एंड ऑब्वियसली जो भी फैकल्टी वो पर्टिकुलर कोर्स पढ़ाएगा उस फैकल्टी का उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा एक्सपर्टीज होना चाहिए। तो ये सारा का सारा डिस्कशन करने के बाद मैंने फाइनली 10 टॉपिक्स पिक किए हैं। ये 10 टॉपिक्स मशीन लर्निंग की डोमेन में भी हैं, डीप लर्निंग की डोमेन में भी हैं और जेनरेटिव AI की डोमेन में भी हैं। और खास बात यह है कि इन सारे टॉपिक्स में आप एक चीज कॉमन पाओगे और वो कॉमन चीज ये है कि इन सारे कोर्सेज में आप एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट जरूर बनाओगे। सो यहाँ पर इन टोटल हमारे पास
अराउंड 15 प्रोजेक्ट्स कवर होंगे इन 10 कोर्सेज के अंदर. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली गिव यू अ वॉक थ्रू कि व्हाट आर दीज 10 कोर्सेज. ठीक है, तो सबसे पहला जो कोर्स है वो है अबाउट डीप लर्निंग. यहां पर हम आपको 5 क्लासेज में कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के बेसिक्स पढ़ाएंगे, सीएनएन के आर्किटेक्चर्स पढ़ाएंगे, ट्रांसफर लर्निंग पढ़ाएंगे. आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाकर हम देंगे जहां पर आप इमेज में देख करके इमोशंस को डिटेक्ट करना सीखोगे और हम उसको डिप्लॉय करके भी दिखाएंगे. ये पूरी चीज हम लोग कवर करेंगे 5 क्लासेस में इन दिस फर्स्ट कोर्स. द सेकेंड कोर्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स जहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम जेनरेटिव एआई के 3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे यूजिंग अ वेरी पॉपुलर फ्रेमवर्क कॉल्ड लैंगचेन. ठीक है, सो क्या क्या 3 प्रोजेक्ट्स हैं? एक है क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम, वन मोर इज एक कॉन्वर्सेशनल चैटबॉट, एंड एक और था जो मैं अभी भूल गया, बट डोंट वरी, अभी मैं आपको वेबसाइट में दिखा दूंगा. नेक्स्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज अ वेरी पॉपुलर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट जहां पर आप क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग करोगे विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग. दिस इज अ फाइनेंस डोमेन का प्रोजेक्ट और बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट है. और ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो कोर्स है, ये एक बहुत एक्सपीरियंस्ड डेटा साइंटिस्ट कंडक्ट कराएंगे जो ऑलरेडी एक बहुत बड़े बैंक में काम करते हैं, तो उनका डोमेन नॉलेज से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा. सो दिस इज द थर्ड वन. फोर्थ वन इज समथिंग डिफरेंट, यहां पर भी हम डीप लर्निंग के 2 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बट ये 2 प्रोजेक्ट्स हम पाइटॉर्च में बनाएंगे. सो अगर आपने अभी रिसेंटली थोड़ा ध्यान दिया होगा तो टेंसर फ्लो, जो कि बहुत पॉपुलर था 4-5 साल पहले, अभी उसकी पॉपुलैरिटी को ओवरटेक कर रहा है पाइटॉर्च. सो पाइटॉर्च सीखना बहुत जरूरी है. तो हमारा प्लान है हम 5 क्लासेस में आपको नॉट ओनली पाइटॉर्च के साथ कंफर्टेबल बना देंगे, बट साथ ही साथ आपको 2 बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बना के देंगे. वन इज मशीन ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट एंड द सेकेंड वन इज नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्टर. ठीक है, सो दिस इज आवर फोर्थ प्रोजेक्ट, आई एम सॉरी, फोर्थ कोर्स. द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो अ डीप लर्निंग बेस्ड कोर्स जहां पर हम 5 क्लासेस में आपको एक टेबुलर डेटा के ऊपर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अप्लाई करके कैसे एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाया जाता है वो सिखाएंगे. यहाँ पर आप बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े होंगे 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग में, जैसे कि ड्रॉपआउट क्या होता है, रेगुलराइजेशन क्या होता है, वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, अर्ली स्टॉपिंग क्या होता है, इन सारी चीजों को यूज करके आप एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाओगे. और इस प्रोसेस में आप जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े होंगे मेरे प्लेलिस्ट में, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे. दिस इज द फिफ्थ वन. नेक्स्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये कंप्यूटर विजन का प्रोजेक्ट है जहां पर आप एक एंड टू एंड ई केवाईसी सिस्टम बनाओगे. यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन वगैरह के ऊपर काम होगा, एंड अगेन 5 क्लासेस का ये कोर्स होगा. और आपको एकदम फंडामेंटल से हम सारी चीजें पढ़ाते पढ़ाते ये प्रोजेक्ट बिल्ड करके दिखाएंगे. नेक्स्ट वन इज अगेन समथिंग डिफरेंट, मुझे लगा सीक्वल को क्यों छोड़े, तो यहाँ पर हम 5 क्लासेस लेंगे और हर क्लास में एक अलग सीक्वल केस स्टडी आपको पढ़ाई जाएगी. हम कोई बहुत पॉपुलर सा डेटा सेट उठाएंगे और उस डेटा सेट के ऊपर मैनिपुलेशंस करेंगे. जो भी हम पाइथन पैंडास में करते थे वो सारा काम सीक्वल में कैसे किया जाता है वो हम इस कोर्स में देखेंगे. अगला है अगेन समथिंग जो बहुत रिक्वेस्ट आता है मेरे को, टाइम सीरीज. सो मुझे लगा टाइम सीरीज भी नहीं छोड़ना चाहिए. सो आई मेट दिस गाय हु इज करेंटली वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड ही हैज बीन वर्किंग ऑन अ टाइम सीरीज प्रोजेक्ट फॉर लास्ट 1 to 2 ईयर्स. तो उनको बहुत एक्सपीरियंस था टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के ऊपर, तो मुझे लगा दिस इज द राइट टाइम कि हम एक छोटा सा कोर्स करें अराउंड टाइम सीरीज. तो वॉट वी विल डू इज विल टेक अप अ प्रोजेक्ट जहां पर किसी भी फॉर्म में हम टाइम सीरीज फोरकास्टिंग करेंगे. आपको टाइम सीरीज के फंडामेंटल्स बताए जाएंगे, टाइम सीरीज एनालिसिस बताई जाएगी, बेसिक स्टेटिस्टिकल मॉडल्स बताए जाएंगे, सरीमा अरीमा जो भी होता है. उसके बाद हम थोड़े मशीन लर्निंग टेक्निक्स भी देखेंगे जिनको यूज करके आप किसी टाइम सीरीज फोरकास्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो. दिस इज कोर्स नंबर 8. उसके बाद आता है कोर्स नंबर 9. कोर्स नंबर 9 इज अगेन अ जेन एआई बेस्ड कोर्स जहां पर हम फिर से आपको 3 पॉपुलर प्रोजेक्ट्स करके दिखाएंगे, बट इस बार हम एक डिफरेंट फ्रेमवर्क यूज करेंगे जिसका नाम है लामा इंडेक्स, जो अभी बहुत फेमस हो रहा है. एंड द लास्ट वन इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जहां पर हम एक एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट करेंगे जो कि हम AWS सेज मेकर के ऊपर कराएंगे. सो डेटा को लोड करना, डेटा के ऊपर प्री प्रोसेसिंग करना, फीचर इंजीनियरिंग करना, मॉडल बिल्डिंग करना, इवेल्युएशन करना एंड डिप्लॉयमेंट करना, ये सब कुछ 5 क्लासेस में AWS सेज मेकर के ऊपर किया जाएगा. ठीक है, तो ये रहे वो 10 कोर्सेज जो हमने प्लान किए हैं आपके लिए. और अगर आप एक बार भी इस लिस्ट को गो थ्रू करोगे तो आप रियलाइज करोगे
ये सारे जो कोर्सेज हैं, दीज आर मिनी कोर्सेज अराउंड 5-5 क्लासेस के, और हर कोर्स में नॉट ओनली आप कुछ नया सीख रहे हो बट साथ ही साथ कुछ प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये सारे कोर्सेज करोगे तो नॉट ओनली आपका नॉलेज थोड़ा और बढ़ेगा बट आपके पोर्टफोलियो में भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो आई रियली होप फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़े तो इम्प्रेस्ड होगे ये पूरा का पूरा जो हमने प्लान किया है आपके लिए। अब शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कोर्सेज कब स्टार्ट हो रहे हैं और हम इन कोर्सेज में कैसे एनरोल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ये कोर्सेज इसी वीक से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 तारीख से, 5 अप्रैल से हमारा फर्स्ट कोर्स स्टार्ट होगा। तो आपको अगर इन कोर्सेज में एनरोल करना है, बहुत सिंपल है एनरोल करना, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, दिस इज आवर वेबसाइट learnwith.campusx.in, और यहाँ पर आपको कोर्सेज में जाना है। आप जैसे ही कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पर आपको दो सेक्शंस दिखाई देंगे, पेड कोर्सेज जहाँ पे हमारा डीएसएमपी वाले कोर्सेज हैं, DSMP 1, DSMP 2, उसके ठीक नीचे आपको फ्री कोर्सेज दिखाई देंगे जहाँ पर हम ये 10 कोर्सेज ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान दो तो हमारे पास सिर्फ 3 कोर्सेज एडेड हैं, बाकी के 7 कोर्सेज मैंने अभी ऐड नहीं किए हैं बिकॉज हम अभी बाकी के टीचर्स के साथ प्लानिंग स्टेज में है कि एग्जैक्टली हर सेशन में क्या क्या पढ़ाना है। बट डोंट वरी, वो बाकी के 7 कोर्सेज भी विद इन अ वीक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है अगर आपको एनरोल करना है इन कोर्सेज में, बहुत सिंपल है, आप किसी भी कोर्स जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो उस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे अबाउट द कोर्स। यू कैन सी किस दिन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हु इज द इंस्ट्रक्टर, लैंग्वेज क्या रहेगा, वैलिडिटी क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कोर्स कंटेंट, यहाँ पे हम हर सेशन में क्या पढ़ाया जाएगा और हर सेशन किस डेट पे होगा ये भी मेंशन्ड है। और अब अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, आपको सिंपली इस फ्री बटन पे क्लिक करना है, ये आपको एक बार लॉग इन या रजिस्टर करने को बोलेगा, तो मैं क्विकली लॉग इन कर देता हूँ। सो आई जस्ट लॉग इन विथ माई ओन अकाउंट, दिस इज माई अकाउंट। जैसे आपने लॉग इन किया अब आपको वो रीडायरेक्ट कर देगा कोर्स के पेज के ऊपर, एंड यू कैन सी दिस इज द कोर्स पेज। यहाँ पर अभी आपको एक टाइमर दिखाई देगा कि पहली क्लास कब शेड्यूल्ड है, तो यू कैन सी द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स इज शेड्यूल्ड ऑन 6 अप्रैल रात को 8 बजे। तो सिंस आपने इस कोर्स में एनरोल कर लिया है तो 6 अप्रैल को हमारी साइट से आपको एक मेल आएगा और आप उस मेल पे क्लिक करके यहाँ पर आकर के जूम मीटिंग के थ्रू इस कोर्स को देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल फ्लो है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ हमारे इस कोर्स में आके एनरोल करना है, उसके बाद हमारी साइट से आपको मेल आ जाएगा जब भी इसकी क्लासेस हो रही होंगी। तो दिस इज द प्लान, लेट मी नो आपको पसंद आया कि नहीं सबसे पहले तो, और आप कमेंट में लिख के बताओ कौन से पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आया, प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो आपको लगता है जिनको ये कोर्सेज फायदा पहुंचा सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, प्लीज डू सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।